इस टाइम हम जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर जो SRTC की जाड़ है उसके बाहर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह जो उनके SRTC के मुलाजिम एम्प्लाइज हैं अपनी मांगों को लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन इन सेंस की जो हाथ खड़ा करके ये प्रदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान आप इनको देख सकते हैं जी आप, ठीक है जी। ये देखिए जैसे इनका कहना है कि इनको आज तक पिछले 6 महीने से एक इनकी सैलरी पेंडिंग है, आज मजबूर होकर इनका कोविड के दौरान अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हम रेलवे स्टेशन के बाहर, ये देखिए आप हम रेलवे स्टेशन के बाहर हैं अभी। ये रेलवे स्टेशन के पास ही ये SRTC का यार्ड है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एम्प्लाइज़, ये सब SRTC के एम्प्लाइज एंड ड्राइवर हैं, ये क्लीनर हैं, जो अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह है सर। जगदीश जी बताएंगे आज आप कोविड का दौरान है, आपको धरना करना पड़ रहा प्रदर्शन करने, क्या कहें जनाब? हम धरना प्रदर्शन के लिए तो आप आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, जो हमारी सुविधा लेने के लिए आप आए हैं। हम तो क्या धरना प्रदर्शन करें, किसको बताएं धरना प्रदर्शन? सर हमारी तो गुहार है MD साहब से, हमारी गुहार है सरकार से, जो मैनेजमेंट है हमारे, हम इधर ही बता सकते हैं और किसको बताना। हमने तो हमने 2-3 दफ़ा हमने अपने प्रिंसिपल जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं उनके पास भी गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको 2 तरह हम जल्द 10 महीने के 10 तरीके पहले पहले हम दे देंगे। वो 10 के बजाय अभी मई की 10 भी आ गई है, अभी तक हमें कोई अभी तक कोई तनख्वाह का कोई नाम निशान नहीं है, किसी ने भी अभी आश्वासन दिया कि आपको तनख्वाह हम दे देंगे, 2 दे देंगे। हम 90 कोविड में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर कुछ पॉजिटिव भी हुए हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, होम क्वारंटाइन हुए हैं, हमारे बाबू क्लर्क भी होम क्वारंटाइन हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं बेचारे। जो हमारी जनता दिन रात काम कर रही है, कुछ गाड़ियाँ हमारी मेडिकल के साथ लगी हैं, पिछले कोविड में भी हम मेडिकल एयरपोर्ट पे चलते रहे, म्यूनसिपैलिटी के साथ चलते रहे और अपने फूड सप्लाई के साथ हमारी गाड़ी चलती रही, और लखनपुर से लेकर बारामूला उड़ी कुपवाड़ा तक हमारी सेवा ये SRTC देती रही। वो कहाँ राजस्थान में अजमेर में उधर से हमने बंदे लाए, मगर हमें कुछ नहीं सर, हम सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा अभी तक। सारी हमसे यही MD साहब से और अपने सरकार से भी यही गुहार लाते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे सर, अपने बच्चों का राइट मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों का गुजारा हो जाए। जो हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनकी एडमिशन कुछ नहीं है उनके पास, हमने अभी तक उनकी बुक्स नहीं ली हैं, रिजल्ट आउट हो गया मगर अभी तक हमने उनके बस्ते किताबें वगैरह अभी तक कुछ नहीं लिया है, वो घर में बच्चे बैठे हुए हैं, कोई फीस नहीं अभी तक जमा करवाई है, ना हमारे पास किराया। डेली ड्यूटी आते हैं, किसी से 100 रुपया उठाया, उधर से उठाया, उधर से उठाया, हम ड्यूटी दे रहे हैं, 5 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, हम किसको बताएं सर? आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आप MD साहब से, आप सरकार से, LG गवर्नर साहब से आप तो हमारी खबर पहुँचाओ कि SRTC की जो दुर्दशा चल रही है, हमें अभी तक कोई सैलरी नहीं। LG एडमिशन द्वारा डॉक्टरों के लिए जितने भी कोविड पेशेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए गए, आपको हमें वो इंसेंटिव कहाँ मिलना जनाब? हमें अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो तो बाद ही लग गया, अब तो वो इनाम हमें कहाँ मिलेगा इतना बादरी का? ये तो हमें सैलरी नहीं अभी तक हम मुहैया कराई जा रही है, तो इंसेंटिव कहाँ मिलेगा हमें? हम तो कहते हैं हमें अपनी सैलरी दे दें, हम इसी में खुश हैं, हमें कुछ इनाम नहीं चाहिए, ना इंसेंटिव चाहिए, हम ड्यूटी करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं, मगर सिर्फ हमें सैलरी अपनी चाहिए जनाब। और ये देखिए जिस तरह जो एम्प्लॉइज अपनी गुहार लगाते हुए आप देख सकते हैं कि जैसे ये इन्होंने कहा कि हमको इंसेंटिव तो कुछ कर दूर की बात है, हमको अपनी खाली और पे ही दे दो, और जो सैलरी है जो भी है इनका गुजारा कर सके चल सके। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप किस तरह जी अपनी, ये देखिए इनमें से कुछ ड्राइवर पिछले लास्ट टाइम को कर गए सर, कह के आप कह रहे कि हम करगिल कहाँ कहाँ गए, जो बाहर आप बाहर की ड्यूटी, हाँ जब आप ड्राइवर सर, मेरा बच्चा इस वक्त आर्मी स्कूल में पढ़ रहा है, आर्मी वाले उन्होंने फीस तो कम नहीं लेनी है, उन्होंने तो अपना पूरा बायोडाटा मुझसे मांगते हैं, बच्चे के ये भी दो, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं बच्चों को आज एक को मोबाइल लेकर दूंगा, दूसरे बच्चे के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा, वो तो मैंने जो भी इंतजाम है कर रखा, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए मेरी जेब में पैसे होने चाहिए ना, जब मुझे पे ही नहीं मिलेगी मैं कहाँ से लाऊंगा वो पैसे, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? और आज ये बोल रहे हैं मेडिकल वालों को इतने पैसे देंगे, हम कहते हैं अच्छी बात है अगर आप उनको दोगे, अरे हमें हमारी पे तो दे दो ताकि हम अपने परिवार चला सकें।
अगर हमारे को पे नहीं दोगे तो हम अपने परिवार को क्या देंगे घर में जाकर। बच्चा बोलता है पापा ये भी चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम लोग। इन लोगों को तो सिर्फ ये पढ़ा कि ड्यूटी, हम लोग कौन सा ड्राइवर जो ड्यूटी नहीं कर रहा, जहाँ बोलते हैं वहाँ हम लोग ड्यूटी करते हैं, पर हमारे लिए है क्या, सरकार के पास है क्या बताए मुझे। सिर्फ हमारे को यहाँ पे इकट्ठा करके एक दूसरे को कोरोना का पॉजिटिव करना चाहते हैं, कहते हैं दूर रहो, किससे दूर रहूं जब पेट भूखा है मेरा। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ये इन्होंने अपना दुखा गुहार लगाई है, ये देखिए ये सब ड्राइवर क्लीनर हैं, ये गवर्नमेंट एसआरटीसी एम्प्लॉई जो पिछले 5-5 महीने की इनकी सैलरी पेंडिंग है, और ये कोरोना में डॉक्टर म्यूनसिपलिटी सबकी ड्यूटी अपनी करते हैं और आज कर भी रहे हैं। इनकी यही गुहार है कि हमको इंसेंटिव नहीं, हमको सैलरी दे दो,